टाइप कीजिए टेक्निकल मास्टर साहब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के अगले मॉड्यूल यूपी विज्ञान का शिक्षा शास्त्र में पूछे गए प्रश्नों को और गतिविधियों को देखेंगे। आइए गतिविधि को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको सत्य या असत्य चुनना है। यह छात्रों और शिक्षकों के समय और प्रयास को नहीं बचाता है, तो आप यहाँ पर अपना आंसर सोचिए क्या आंसर होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा असत्य। यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है, तो हमें बताना है यह सत्य है या असत्य है। तो यह है असत्य। यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो आप सोचिए सत्य होगा या असत्य होगा इसका। इसका आंसर है सत्य। यह एक अवधारणा और सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, तो ये यहाँ पर असत्य है। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, तो यह सत्य है। अब प्रश्नोत्तरी भाग की ओर चलते हैं। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे को उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो इसमें बच्चे तीनों का अवलोकन कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही हैं। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों को स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शंस देखते हैं इसके। केवल झाड़ियों के बारे में, केवल पेड़ों के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल साग के बारे में। तो इसका आंसर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। ये शिक्षक इन बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता को विकास करना है? तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। तो इसका सही आंसर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। जब यह दल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं।
अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र कर रहे हैं? रेयॉन, रेशम, पॉलिस्टर, सूती। तो वो रेशम के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है रेशम। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन है, इसके घोल असंतृप्त हो जाएगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, पानी जमने लगेगा। तो इसका सही आंसर है घोल संतृप्त हो जाएगा, यह इसका सही आंसर है। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? परियोजना, स्थानीय दौरा, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले। तो मेरे हिसाब से इसकी सही प्रभावी कार्यनीति हो सकती है परियोजना। तो इसका सही आंसर है परियोजना। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों, आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें। विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें, ऐसी गतिविधियों से बचें। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ये है, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेशी सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाले विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तलवे की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो हम इसमें क्या करेंगे, दृष्टिबाधित छात्रा के लिए सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण करेंगे। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक या माध्यमिक? तो इसका सही आंसर है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में ही विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। Thank you.